हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनोज सर फ्रॉम लर्निंग पॉइंट। तो बेटा, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं वोकैबुलरी में आपका जैसे एडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये ऑलरेडी मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ। तो आज मैं एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ, एंटोनिम्स। एंटोनिम्स जो है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले तो इसके बारे में हम जानेंगे, जितनी भी वोकैबुलरी हैं उसमें ये एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं। और उस वोकैबुलरी में जैसे मान लीजिए एडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, होमोफोन्स, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं आपको तैयार करना ही होंगे। और जो मैंने एंटोनिम्स लाया है, यानी कि इसको आप अपोजिट वर्ड्स भी कहते हैं, जिसको हिंदी में हम विलोम शब्द कहते हैं, ओके। तो ये हमारे मतलब ये इतने इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं कि यदि आपका एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड, इडियम्स एंड फ्रेजेस आपका यदि प्रिपेयर है, तो फिर बेटा आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए, मैं तो पहले आपको ये बता दूँ कि जो भी मैंने यहाँ पर देखिए एंटोनिम्स जो मैंने डाला है, इसमें तीन तरह के होंगे। एक तो इजी भी होंगे, कुछ कुछ वर्ड इजी होंगे, कुछ मीडियम होंगे और कुछ हाई लेवल के भी वर्ड्स होंगे। तो जैसा कि एसएससी में सीएचएसएल हो या सीजीएल हो, डिफेंस के हर एग्ज़ाम को टच मैंने किया है, और मैंने जितने भी इसमें वर्ड्स डाले हैं ये टोटल किसी न किसी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम में आए हुए हैं, चाहे वो सीबीआई का परीक्षा में आया हो, इनकम टैक्स में आया हो, यानी कि किसी न किसी एग्ज़ाम में ये वर्ड्स आपको ज़रूर आए हुए हैं। तो चलिए, इसी शुभकामना के साथ मैं आपको अब आगे बताने जा रहा हूँ। पहला देखिए मैंने ये भी कर दिया है, इस लाइन में मैंने पूरा वर्ड्स रखा है और सेकेंड लाइन में उसका मैं हिंदी में मीनिंग लिख दिया हूँ आपके सुविधा के लिए। और जो लास्ट जो एंटोनिम्स है, ये इन वर्ड्स का ये अपोजिट वर्ड्स है, ओके। अगला देखिए, फर्स्ट वर्ड है एडवांस। एडवांस मीन्स क्या होता है? आगे बढ़ना। एडवांस मीन्स आगे बढ़ना, तरक्की करना, ओके। प्रोग्रेसिव वर्ड मतलब माना जाता है इसको। तो एडवांस का अपोजिट क्या होगा, यानी एंटोनिम्स क्या होगा? रिट्रीट। रिट्रीट मीन्स होता है पीछे हटना। एडवांस मीन्स होता है आगे बढ़ना, और रिट्रीट मीन्स क्या होता है? पीछे हटना। इसी तरह से इनका अपोजिट वर्ड पूरे चलेंगे। दूसरा है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी मतलब होता है विपत्ति, मुसीबत, लेकिन इसका अपोजिट क्या होता है? प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी मीन्स संपन्नता, ओके, खुशहाली। नेक्स्ट है अराइवल। अराइवल मीन्स होता है आगमन, और अराइवल का अपोजिट होता है डिपार्चर। डिपार्चर मीन्स प्रस्थान करना, ओके। अराइवल मीन्स आगमन, और डिपार्चर मीन्स होता है प्रस्थान। नेक्स्ट देखिए असेंट। असेंट मीन्स होता है चढ़ाई, और उसका अपोजिट होगा डिसेंट, ओके। नेक्स्ट अक्विट। अक्विट मीन्स होता है छोड़ देना, और कन्विक्ट मीन्स होता है किसी भी चीज़ को पकड़े रहना या ग्रहण करना, ओके। एम्पल। एम्पल मीन्स होता है पर्याप्त, ज़्यादा, अधिक मात्रा में, लेकिन इसका अपोजिट क्या होता है? मीजर होता है। मीजर मतलब थोड़ा होता है, यानी कम होता है। अगला है एडवेंटेज। एडवेंटेज मीन्स होता है लाभ, फायदा, ओके, और इसका अपोजिट होता है डिसएडवेंटेज। डिसएडवेंटेज मतलब होता है हानि या नुकसान, ओके। नेक्स्ट देखिए अबैंडन। अबैंडन मीन्स होता है त्याग देना, लेकिन इसका अपोजिट होता है होल्ड या कीप। दोनों में आप कोई भी लिख सकते हैं। अवेट। अवेट मीन्स होता है कम करना, और इसका अपोजिट होता है इनक्रीज। इनक्रीज मतलब होता है वृद्धि करना, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है अवेश। अवेश मीन्स होता है नीचा दिखाना, लेकिन इसका अपोजिट होता है अपलिफ्ट या एग्जॉल्ट, यानी किसी का उत्साह वर्धन करना, ओके। नेक्स्ट अगला वर्ड है एवॉर। एवॉर मीन्स होता है घृणा करना, लेकिन इसका अपोजिट वर्ड होता है लव या रेलिस, यानी इसका मतलब होता है प्यार करना या लगाव होना। नेक्स्ट
एवोलिस, एवोलिस मीन्स इनका हिंदी मीनिंग होता है समाप्त कर देना, लेकिन इसका अपोजिट होता है क्रिएट या रीस्टोर। क्रिएट मीन्स क्या होता है, उसको रचना करना, निर्माण करना। ओके नेक्स्ट एबोमिनेबल, एबोमिनेबल मीन्स होता है घिनौना, घिनौना, लेकिन इसका अपोजिट होता है लवेबल, लवेबल मीन्स होता है प्यारा। ओके और डिजायरेबल दोनों होते हैं। अगला है एक्रीमोनियस, एक्रीमोनियस मीन्स होता है झुंझलाहट, एक्रीमोनियस मीन्स होता है झुंझलाहट, और इसका अपोजिट होता है एमिकेबल, एमिकेबल जिससे हमारा मैत्रीपूर्ण व्यवहार हो। ओके नेक्स्ट एडिक्वेट, एडिक्वेट मीन्स होता है योग्य, लेकिन इसका अपोजिट होता है स्कैंट या डिफिशियंट, जिसको आप अयोग्य भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है एड्यूलेशन, एड्यूलेशन मीन्स होता है चापलूसी, लेकिन इसका अपोजिट होता है रिव्यूक या इंसल्ट। चापलूसी हम किसका करते हैं, जिसका खुशामद करते हैं, झूठी प्रशंसा को ही चापलूसी कहा जाता है, लेकिन इसका अपोजिट क्या होता है, रिव्यूक या इंसल्ट। नेक्स्ट है एग्रीवेट, एग्रीवेट मीन्स होता है उत्तेजित करना, लेकिन इसका अपोजिट होता है सूद या अपीस। ओके नेक्स्ट अमेक्यूलेट, अमेक्यूलेट का मतलब होता है पवित्र, लेकिन इसका अपोजिट होता है इम्प्योर, इम्प्योर मीन्स होता है अपवित्र या अशुद्ध। ओके नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड है बॉटम, बॉटम मीन्स होता है पेंदी, बॉटम मीन्स होता है पेंदी, और बॉटम का अपोजिट होता है टॉप, टॉप। नेक्स्ट ब्लंट, ब्लंट मीन्स होता है धारहीन, इसको हम भोथरा भी कहते हैं, जैसे कोई नाइफ है आई मीन चाकू, तो चाकू में यदि धार तेज नहीं है उसे क्या बोलते हैं, ब्लंट कहते हैं, और उस ब्लंट का अपोजिट होता है शार्प, शार्प मतलब होता है तेज। ब्लेसिंग, ब्लेसिंग मीन्स होता है वरदान, और ब्लेसिंग का अपोजिट होता है कर्स। नेक्स्ट ब्रेवरी, ब्रेवरी मीन्स होता है बहादुरी, और उस ब्रेवरी का अपोजिट होता है कॉर्डिस। ओके नेक्स्ट बैरन, बैरन मीन्स होता है बंजर, बंजर मरुभूमि, और उस बैरन का अपोजिट वर्ड होता है फर्टाइल, यानी फर्टाइल मीन्स क्या होता है, उपजाऊ। बंजर का हिंदी में अपोजिट क्या होगा, उपजाऊ। नेक्स्ट बार्बरिक, बार्बरिक मीन्स होता है असभ्य, बार्बरिक मीन्स होता है असभ्य, और इस बार्बरिक का अपोजिट होता है सिविल। नेक्स्ट वर्ड है बुन, बुन मीन्स होता है वरदान, और उस बुन का अपोजिट होता है बेन, बेन मीन्स होता है अभिशाप। नेक्स्ट बैंक्वेट, बैंक्वेट मीन्स होता है भोज, यदि आप किसी पार्टी में जाते हो, रिसेप्शन में जाते हो, जिसको आप कहते हो ना कि आज वहाँ पर भोज है, तो वही है बैंक्वेट। आपने नाम भी सुना होगा सिटी वगैरह में बैंक्वेट हॉल, ओके, तो वही बैंक्वेट का हिंदी होता है भोज, और इसका अपोजिट, बैंक्वेट का अपोजिट होता है फास्ट यानी उपवास। नेक्स्ट बाउंटी, बाउंटी मीन्स होता है दान, दान, और उस बाउंटी का अपोजिट होता है माइजरलीनेस यानी कंजूसी। नेक्स्ट है ब्रूटल, ब्रूटल, ब्रूटल मीन्स होता है असभ्य, ब्रूटल मीन्स होता है असभ्य, और उस ब्रूटल का अपोजिट होता है सिविलाइज्ड, सिविलाइज्ड मीन्स होता है सभ्य। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्सेंट, कॉन्सेंट मीन्स होता है सहमति, कॉन्सेंट मीन्स होता है सहमति, और कॉन्सेंट का अपोजिट होता है डिसेंट, डिसेंट मीन्स होता है असहमति। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्फेस, कॉन्फेस मीन्स होता है स्वीकार करना, लेकिन स्वीकार करने में भी बेटा आपको ध्यान देना होगा, कॉन्फेस हम तब करते हैं जब हमसे कोई अपराध हुई हो या हम अपनी गलती स्वीकार करते हैं, उसे हम कॉन्फेस कहते हैं, और कॉन्फेस का अपोजिट होता है डिनाई, डिनाई मीन्स क्या होता है, इनकार करना। नेक्स्ट करेजियस, करेजियस मीन्स होता है साहसी, और उसका अपोजिट होता है करेजियस का टिमिड, टिमिड मीन्स होता है डरपोक, कायर। नेक्स्ट क्रिएशन, क्रिएशन मीन्स होता है निर्माण,
क्रिएशन का हिंदी होता है निर्माण, लेकिन इसका अपोजिट होता है डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है? विनाश कर देना, बर्बाद कर देना। नेक्स्ट कैजोल, कैजोल मीन्स होता है फुसलाना, कैजोल मीन्स होता है फुसलाना, और उस कैजोल का अपोजिट होता है चाइड या स्कॉल्ड। चाइड या स्कॉल्ड दोनों का मीनिंग होता है डांटना। नेक्स्ट कैंडिड, कैंडिड का मीनिंग होता है सच्चा, कैंडिड का मीनिंग होता है सच्चा, लेकिन इसका अपोजिट होता है स्लाई। स्लाई जिसमें छल हो, कपट हो, दिल का साफ ना हो, उसे हम स्लाई कहते हैं। नेक्स्ट है सेरिमोनियस, सेरिमोनियस मीन्स होता है औपचारिक, लेकिन इस सेरिमोनियस का अपोजिट होता है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल मीनिंग होता है अनौपचारिक, औपचारिक का अपोजिट क्या होता है? अनौपचारिक। नेक्स्ट है सिवॉलरस, बड़ा आप यहाँ पर इस वर्ड को ध्यान देना, इसका प्रोनाउंसिएशन भी आपको संभल कर करना होगा। देखिए सी एच क भी होता है, सी एच च भी होता है, लेकिन यहाँ पर जो सी एच है इसका हम प्रोनाउंसिएशन उच्चारण स की तरह करते हैं। सिवॉलरस, सिवॉलरस मीन्स होता है वीरता से यानी बहादुरी से, और उस सिवॉलरस का अपोजिट होता है टीमिट। ओके, डरपोक, कायर। एंड नेक्स्ट कंपाइल, कंपाइल मीन्स होता है संग्रह करना, इकट्ठा करना, और इस कंपाइल का अपोजिट होता है डिस्पर्स, स्कैटर यानी तितर बितर कर देना, बिखेर देना। ओके, तो बेटा आप इस वीडियो को या इस वीडियो के माध्यम से जो मैं वीडियो या आपको एंटोनिम्स मैंने आपको जो भेजा है इसको बेटा आपको बाय हर्ट करना ही होगा यदि आप सचमुच में तैयारी कर रहे हो और अपने जीवन में सफल होना है। और मेरी शुभकामना भी है कि आप निश्चित अपने जीवन में कामयाब होंगे, सफल होंगे। ओके, तो चलिए इसी शुभकामना के साथ फिर मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूँगा। तब तक जय हिंद।